मेरा दिल तोड़ दिया है। तू याद रखियो रियांश, ये तू चंगा नहीं कर रहा है। डैड, कब तक ये खेल खेलोगे रियांश? 30 साल 10 महीने और 22 दिन। हर पल आपके उस यार को मैं ये जताऊंगा कि उसकी बेटी तरसेगी जब एक बिना मोहब्बत के शादी में फंसी हुई। वो ना आगे बढ़ सकेगी ना मुझे पा सकेगी, और वो जानेगी कि हिसाब हो रहा है। रियांश नामा उसे एक एक पल का हिसाब करेगा। क्या मिलेगा तुम्हें मेरी सजा उस लड़की को देखकर? पलमी देवी, ये जो कर्मा है ना, ऐसा पकड़ेगा ना आपको कि आप और आपके वो लवर देखते रह जाएंगे। ऑल द बेस्ट। आई टोल्ड यू ना। ओ तुम, सॉरी तुम किसी और का वेट कर रहे थे? मुझे लगा प्रीति है। जी एक्चुअली मुझे तुमसे रियांश के बारे में। कम इन प्लीज। जय, वो क्या हुआ? आई मीन अब क्या किया उसने? ये पूछो कि क्या करने जा रहे? अपने आप को बर्बाद, मुझे बर्बाद। तुम कुछ छिपा रही हो मुझसे, मुझे बता सकती हो रात में? जय, तुम तो उसके दोस्त हो, तुम उसे बचपन से जानते, तुम्हें तो पता है कि अपनी मॉम की वजह से उसके दिल में आग सुलगती रहती है। आई नो, कॉलेज में इनफैक्ट हमारे इसी बात पर रोज झगड़ा होता। मैं चाहता था वो खुश रहे, पर वो था कि वो एक बार फिर से वही करने जा रहा है किसी और की नाराजगी की माया से। मुझे नहीं देखा जाएगा जी, उसे रोकना होगा हर हाल में। अगर उसने ये शादी कर ली तो 3 दिल टूटेंगे, कि माया का, उसका और तुम्हारा। दिल तो कब का टूट चुका है जय, अब बस उसके टुकड़े कहीं दफना देना चाहती। वो किसी से मोहब्बत नहीं कर सकता जय, हम दोनों ना एक अजीब से बंधन में जुड़े हुए, ना वो मेरे सिवा किसी और से प्यार कर सकेगा और ना ही मैं। पर जय, इस वक्त मुझे माया को बचाना है। रियांश उसका दिल टूट देगा जो सिर्फ उसका। सो क्या आराधना, तुम अपने दिल का दर्द मेरे सामने बयान कर सकती हो? जय, मेरे साथ जो हुआ वो हो चुका है। अब मैं रियांश को किसी और की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी, क्योंकि जानती हूँ अपने प्यार को किसी और के साथ देखने का दर्द क्या होता है। तुम तो कृति से वो सब छोड़ो, अपनी सुनो। पर जय, तुमने प्यार आसान नहीं होता। एनीवेज, तुम जो चाहोगी बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे मैं। क्या करना है? व्हाट्स द प्लान? एक्सक्यूज मी। हाय रियांश। या आई नो, हम दोनों सेम फील कर रहे हैं। तुम कभी नहीं समझ सकते जो मैं फील कर रही हूँ। बट एनीवेज, आई थिंक यू नीड सम हेल्प। मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए, बट आई गेस तुम्हें हेल्प चाहिए। और ये सब कंफ्यूजन तुमने क्रिएट किया ना? व्हाट? आई मीन नो वे रियांश, मैं तो तुम्हें नहीं कहा था आराधना की हाँ है, उसकी आंखों में मेरे लिए प्यार दिखता है, बस बोलती नहीं, यही थी ना तुम्हारी लाइन? मैं तो बस रहने दो, पर मैं जो बोलूंगा वो तुम करोगे, अगर वैसे जानती हो मैं क्या करूंगा। प्लीज नो, आई मीन व्हाटएवर यू से, पर करना क्या रियांश? वो भी पता चल जाएगा, टाइम आने पर। वाह, मेरा प्लान तो जितना मैंने सोचा उससे भी ज्यादा सक्सेसफुल दिख रहा है। अब तो रियांश भी मेरी साइड है, इवेंचुअली जय को भी मेरी साइड कर लूंगी। अब आराधना तुम्हारा गेम फिनिश। ये हैं ऑस्ट्रेलिया के बहुत बड़े मीडिया हाउस के रिप्रेजेंटेटिव मिस्टर शाह, और ये हैं मिस्टर वरेन खन्ना। यूं समझ लीजिए मेरे पिता होते होते रह गए, आई मीन मेरे होने वाले ससुर जी। तो मैं आपको पापा बुलाऊं? कितना ऑफ होता है ना नए आदमी को अपना पापा बुलाना। मैं आपको वीके भी नहीं बुला सकता, वो भी मेरे डैड के नीचे है। फिर आपने किस्मत देखी, जो मेरे डैड का है वो पहले आपका हो चुका है ना जी। बात उस जमाने में ना मेरी मॉम पे सब मरते थे, सब दीवाने थे उनके, सब प्यार करते थे। रे, मेरे पापा को मत छेड़ो प्लीज, आई वाज टॉकिंग अबाउट द म्यूजिक। ना छेड़ो, डन। गाइस, अगर इतना रोमांटिक माहौल है तो वी शुड डू समथिंग फन। शॉट्स पेवड़ी, शादी को 7 दिन बाकी है, कुछ तो मेहरबानी रख। You know, I was thinking like a kissing game. Oh, Kiki, शहर में ऐसा कोई लड़का बचा ही नहीं जिसे तूने किस ना किया। Shut up. I mean, मैं तो अब engaged हूँ और मैं अपनी चेक के सिवा किसी और को किस नहीं करूंगी। So, Patirata, oh, yes, I am. So, the game is, जितनी बारी रे जीजू के मेरी से रोमांटिक होंगे उतनी बारी जय मुझे किस करेगा। Okay. मतलब अब हम लोग देखेंगे कि कौन से जीजू रोमांस चैंपियन है। आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। पर ये तो गलत है ना, यही अगर मैं लड़की होता तो मुझे ऐसे फोर्स नहीं करती। कम ऑन यार, बीएस स्पॉट किस कर रहे यार, तेरी वाली है, इज योर्स ओनली। हैप्पी? नो, नाउ आई नीड सम प्राइवेसी।
साहब कहाँ गए? मैडम साहब तो चले गए, उनके सर में दर्द हो रहा था। जानती हूँ विवेक का ये बेहुदा दिखावा जो रियांश कर रहा है वो तुम्हारे बर्दाश्त के बाहर है। जय, इज एवरीथिंग ओके? तुम कृति से अपसेट हो क्या? तुम दोनों के बीच सब ठीक तो है ना? या एवरीथिंग इज ओके। अच्छा टेल मी वन थिंग, ये सब लड़कियों को ऐसा क्यों लगता है दैट मेन डोंट हैव फीलिंग्स? नहीं ऐसा नहीं है जय, वो सब बस मजाक कर रहे थे। मजाक नहीं कर रहा था आराधना, कुछ चीजें ना पर्सनल होती हैं और वैसे भी मुझे अपनी फीलिंग्स की नुमाइश करना अच्छा नहीं लगता। एंड जस्ट बिकॉज़ मैं लंदन से हूं डजंट मीन आई डोंट हैव फीलिंग्स। जय तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? शी इज योर फियांसे, कोई जबरदस्ती थोड़ी ना, यू लव हर राइट? अब गजल शुरू होगी, लेट्स जॉइन देम। 30 अक्टूबर इज इंटरनेशनल एक्सेस डे, ये गाना तो आपने एक्सेस के लिए गा दिया। उफ, क्या दर्द है आवाज में, क्या आलम, पर कुछ प्यार के लिए सुनाई है? मम देख रहे हो ना, ये आधा की प्रॉब्लम क्या है हा? जब देखो कभी मेरे फियांसे के साथ तो कभी रियांश के साथ। आई मीन अभी भी देखो जय के साथ कोने में खुसर खुसर कर दिया। रिलैक्स, मैं हूं ना, मैं सब संभालूंगी, तुम टेंशन मत लो। एक सेकंड ससुर जी, अरे सर प्लीज, आप नहीं आएंगे तो महफिल कैसे जमेगी? आई ना, आई आई बैठिए जी। अरे मॉम, आप तो हंसते हो, गाना अच्छा गाती, आपके गजलों में आकर कौन है वो बेवफा? चलिए आज बेवफाई की नहीं, प्यार को पाने की बात करते हैं। मां बोला ना, हमें तुमसे प्यार कितना कि हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। ओ ओ एक्सक्यूज, इधर जा रहे हैं। मां शुरू कीजिए ना, शर्मा आ गए, अंदर चलते हैं। तो इस खूबसूरत गजल के बाद अब दूसरी गजल, और मॉम की इस गजल पे सारे प्यार करने वाले डांस करेंगे। मेरे सर आइए ना, जय किकी कोको एवरीबॉडी सब डांस करेंगे। और हाँ, डांस के बाद बेस्ट कपल का प्राइज भी मिलेगा। तो दोस्तों आज की रात है परवानों की महफिल, तो चलिए देखते हैं कौन से प्यार करने वालों की किस्मत आज रंग लाएगी। सो बेस्ट कपल है विनय खन्ना और कादंबरी देवी जी। आपको कोई गलतफहमी हुई, विनय खन्ना और मालिनी जी। माफ कीजिए दोस्तों, मुझसे गलती हो गई। तो बेस्ट कपल है विनय खन्ना और मालिनी जी। चलिए कोई बात नहीं, अगर बेस्ट कपल ना सही तो समधी और समधन का डांस तो बनता। आइए ना, एक डांस हो जमान, वन प्लीज। नहीं रियांश, मैं नाचती नहीं, मेरी कला संगीत है। कैसा प्यार तू जताए, कैसे पास मेरे आए, मैंने वाओ तेरे दिल की चोरियां, मैं तेरी हो गई। Excuse me. मैं तेरी हो गई। हार गई मैं, यही चाहती थी ना तुम कि मैं तुम्हें किसी और के साथ देखकर चलूं, मुझे अपने किए पर पछतावा हो रहा है। रियांश प्यार करती हूँ तुमसे रियांश, और ये भी जानती हूँ कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करते हो। ऐसा प्यार जो सिर्फ किताबों में होता है, वैसा प्यार जैसा सिर्फ अच्छी फिल्मों में होता है, वैसा प्यार जिसमें फना हो जाने के किस्से लोग अपनी गजलों में सुनाते हैं, वैसा प्यार जिसके लिए मौसम भी अपना रूप बदल लेता है। ऐसे प्यार को ठुकराओ मत रियांश। मैरी मी। क्या हो गया तुम्हें, 21 टाइप की पिक्चरें देख रही हो, तू है कौन, टीना अंजलि या माया? एक बार बताओ कि तुम्हारी इतनी घटिया स्क्रिप्ट लिख कौन रहा है, या इस घर के लोगों ने तुझे बेटी बना के रखा, इतना प्यार दिया और तू इन्हीं के घर का दामाद छीन रही, उस लड़की से उसका प्यार छीन रही जिस लड़की को मैंने चुना है। वेरी बैड, क्यों कर रही है सब देख रहे हैं? तो देखने दो, उन्हें भी तो पता चले कि वो दो प्यार करने वालों को अलग करे। ये हुई ना 1950 की घिसी पिटी स्क्रिप्ट। एक काम करो तुम ना, मेरी मॉम के लिए नज़्में लिखो। क्या स्टाइल से लाइन मार रही हो यार। I know reject होना आसान नहीं होता, बुरा लगता है, दिल टूटता है, ego hurt होती है। कोई तुमसे ये कहे कि वो तुमसे बहुत प्यार करता है और दूसरा इंसान कहे कि तुम तो मेरे पीछे कुत्तों की तरह पड़े हुए हो। I know, बहुत बुरा लगता है, feel bad। चल, मैं तुम्हें एक दोस्त वाला देता हूँ, कम, आज। मेरे और तुम्हारे के लिए खुश हो जा, तमाशा मत करो, okay? Good girl, be strong, सब ठीक हो जाएगा। और कुछ ये दोस्त सुनी थी, मुझे अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है कि तुम मेरे साथ ऐसा कर सकती हो। आज रात यहाँ जो भी हुआ मैं मामा को नहीं बताऊंगा, लेकिन बाकी सबने देखा है, तो प्लीज बेहतर यही होगा तुम आज रात यहाँ से चली जाओ।
मुझे तुम्हारे लिए बहुत रिस्पेक्ट थी, उसी रिस्पेक्ट की वजह से तुमसे ये कह रही हूँ कि अपने आप को इतना एम्बैरस मत करो, इतना नीचे मत गिराओ, एस्पिरेट लगोगी, प्लीज जाओ यहाँ से। माँ सही कह रही है, तुम चली जाओ, दैट्स बेटर फॉर यू, गो। प्लीज लीव। कुत्ते की तरह तुम हिलाते तेरे पीछे आया था ना, अब नहीं चाहिए तेरा भीगा हुआ प्यार। तू प्यार थोड़ी दे रही है, तू तो अपनी बहन और माँ को बचाने के लिए झूठे झांसे में डाल रही है। तूने तो मुझे अपनी बहन की खुशियों पे कुर्बान होने वाला बकरा समझ लिया। जब मर्जी की माँ से शादी कर लो, जब मर्जी मत करो, मेरे अंदर जो भी था तूने छीन लिया, रात तूने सब मिटा दिया, चाहिए ही नहीं किसी का प्यार। रियांश, तुमने उसे अच्छी तरीके से हैंडल किया है। She was embarrassing herself. It's sad. But एक तरह से देखा जाए तो तुमसे तो कोई भी प्यार कर सकता है। तुम हो ही इतने अच्छे। ये प्यार और बस की बात है। दिल टूटने का खतरा रहता है। अब तो दिल दे दिया जनाब। अब जो भी कीजिएगा उस दिल का। चलो। Mom, पैशु। आज मैं तुम्हारे साथ साथ अपनी मॉम को भी खुश कर देता हूँ। Ladies and gentlemen, guys, guys, may I have your attention, please? आज मैं एक गाना गाना चाहता हूँ अपनी किमाया के लिए। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते। ये गाना तुम्हारी मॉम गाती थी क्या तुम्हारे डैड के लिए? बचपन से सुनता आ रहा हूँ, पूरा बचपन इस गाने से मेरा रिश्ता रहा। मॉम गाती थी और हमें सुनाई भी देता था, मुझे मेरे डैड को। एक एक लफ्ज का दर्द समझ में आता था, एक एक लफ्ज हमारे लिए एक एक आंसू का बूंद बन जाता था। और तुम्हें पता, जब मेरे डैड इस गाने को सुनते थे वो फूट फूट के रोते थे, और साथ में मैं भी। शुरू करें काम। हमें तुमसे प्यार कितना। प्लीज रुकिए, हुए गलत दाव खेला है तुमने आराधना। रियांश को उसका बदला उसकी खुशी से बहुत ज्यादा बड़ा है। कुछ और सोचो। लेकिन मैं तुम्हें किमाए से शादी नहीं करने देती। मैं बुरी बनूंगी रियांश, इतनी बुरी कि खन्ना परिवार मुझे अपने घर से निकाल देंगे, अपने दिल से निकाल देंगे। कितना बड़ा धोखा, क्या सोच के आई थी तुम यहाँ? हमने तुम्हें इस घर में अपने दिल में जगह, तुमने हमें धोखा दिया। बाद वो कहते कि मैम सर्विसेज स्टार्ट करोगे, कहते कि हाँ ये ना जो शिका है वो कहती है कि काकू नए नए दमाजी सो अभी से इतने अटेंशन दे रहे हैं, हाउ स्वीट ना। तो कहते कि हाँ सही बोल रहे हैं। उसके बाद अनवी कहते हैं कि हाँ दुल्हनिया लगता है जीजू पसंद आ गई, मेरी बहन दुल्हन बनेगी। तो वो शर्मा जाती है। पर वो कहते हैं कि हमें पागल कुत्ते ने नहीं काटा है कि मतलब जो मेरे बेटे को जेल भेजे उसके साथ हम ऐसे खाना बांटे। हाँ तो कहते कि सुशीला तुम क्या करो, इस बच्ची बेचारे को क्या करो, अगर एक दिन खाना खा भी लगे तो क्या हो जाएगा, और खाने के लिए नहीं रोकते। कहते कि ये बेचारी नहीं है, आपको पता है जब पहली बार किरण जेल गया था तो कंपनी से नोटिस दिया था, पगार भी नहीं थी, और दोबारा जेल गया तो उसे नौकरी से ही निकाल दिया है। 3 महीने से सैलरी नहीं है, दिवाली को जो बोनस मिलना था वो भी नहीं मिलेगा, जो बच्चे को जगह पैसे थे इसकी बहन की दवाई पर खर्च लग गए हैं। बहन को तो ये है नहीं 2 पैसे का कि हमें कुछ करके दे दे, ऊपर से इसकी बहन मुफ्त का खाना खाने आ जाती है, और मकान मालिक को पैसे नहीं दे तो हम घर से निकाल देगा, तो बता हमें कहाँ जाए। तो किरण के पापा अपने उसकी वाइफ को ले जाते हैं, सुशीला मेरे साथ चलो, कहते कि अरे छोड़ो, कहते कि सभी तुझे तो आई का पता है, और तू ही तो कहते हैं कि ये मेरा भी घर है, इसलिए आई की बातों को छोड़कर खाना खाए बिना तो नहीं चाहिए। कहते कि कोई मेरी गैरत पर पैर रखेगा तो मैं कैसे यहाँ पर रुक सकती हूँ। कहते कि चल ना सभी, कहते कि ये सब छोड़े, अब सच बताए कि घर में सच में इतनी प्रॉब्लम चल रही है पैसे की। कहते कि हाँ सभी, 3 महीने से हम बिल नहीं पे किया है, और हम तो पुराने किराएदार हैं इसलिए हमें मोहलत मिली गई है, शायद 15 दिन में बिल ना पे किया तो हमें घर पे खाली करना पड़ गया। लेकिन तू उसके टेंशन मत, मैं कुछ ना कुछ काम कर लूँगी।